भी खड़ा हो गया हूँ। अपने आपके लिए सारे संतों के लिए जोरदार ताली बजा के जयकारा लगाए, बोले महाकाल महाराज की। हम सबका सौभाग्य है परमात्मा की कृपा से, अरे परमात्मा की कृपा से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में शपथ ली और उसके पहले मध्य प्रदेश में उन्होंने उज्जैन को आशीर्वाद दिया, इसलिए हाथ जोड़ के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं और उनके प्रति आभार भी मानता हूं। और खास करके हमारे यहाँ ये संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में एक एक दिन अलग अलग प्रकार से चेतना के लिए जो जागृति की दृष्टि से भी बनाते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को है तो हमने निर्णय किया कि 5 जून से लगा करके पर्यावरण की अगर बात करेंगे तो वो तो गंगा दशमी तक चलना चाहिए, जल की बात करेंगे तो जल के लिए पूरा अभियान। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 55 जिलों में सभी तहसील, सभी पंचायत, सभी गांवों के अंदर समान रूप से जल गंगा अभियान के माध्यम से जल रचनाओं को लेकर के जल देवताओं के माध्यम से वरुण देवताओं को हम प्रणाम कर रहे हैं। और ये हमारी संस्कृति की खूबसूरती है, विशेषता है कि हम अपने 5 प्रमुख तत्वों के जिसके भरोसे से हमारा शरीर बनता है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है यही ब्रह्मांड है। इसलिए इस ब्रह्मांड की रचना को नमन करने के लिए, हमारे पिंड की रचना को समझने के लिए, परमात्मा की रचना को समझने के लिए ये 5 तत्वों से बाहर कुछ नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है सभी तीर्थों में, तीर्थ अवंतिका तीर्थ जो तिलवर बड़ा है, हमारे लिए और सौभाग्य की बात है बाबा महाकाल के कारण से ये उज्जैन की अलौकिक आभा और बढ़ती है। लेकिन माँ की खूबसूरती से, माँ छिपरा जी के कारण से 33 करोड़ देवी देवता इसके किनारे वास करते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्यदायी है, फलदायी, आशीर्वाद देने माँ छिपरा। बोले छिपरे महारानी की। और काल के प्रवाह में कई सारी जलराशियां, कई सारी नदियों के प्रवाह से इसकी गति अत्यंत तीव्र होती थी। आज हम याद करें महाकवि कालिदास को मेघदूत के माध्यम से, जिन्होंने वर्णन किया था कि ये इसी महाकाल के नीचे जो वर्तमान का हमारा नदी घाटी का रास्ता है, यहाँ उनकी राजकन्याएं अगर अपने उस नदी से बहने वाले जल में स्नान करने आती थी तो उसकी खुशबू से उज्जैन आलोकित हो जाता था। अपने उस जल के राशि के माध्यम से ये नदियों की राशि वर्तमान में रास्ते बन गए। ऐसी एक के बाद एक 11 नदियां इस छिपरा के अंदर यही आ करके अलग अलग प्रकार से अपने आप को छिपरा जी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए स्वयं को विसर्जित कर करके उसको प्रवाह बढ़ाती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है काल के प्रवाह में बाबा महाकाल की कृपा से ये गंगा दशहरा हमारे हजारों साल से मनता आया था। लेकिन इस गंगा दशहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, इस आनंद को और आगे 4 चांद लगाने के लिए पिछले सिंहस्थ 2004 में हमारे आचार्य महामंडलेश्वर काशनी आश्रम के गुरु शरणानंद जी महाराज ने कहा था कि यहाँ हमको चुनरी उत्सव करना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता के संतों की आज्ञा हमारे लिए हुकुम के बराबर है, उनके निर्देश के आधार पर। और ये सारे संतों के लिए जोरदार ताली बजा, उनके प्रतीकात्मक रूप से आप सब हर साल आशीर्वाद देते हैं। हमारे महंत रामेश्वर दास जी महाराज तो इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं और हमारे लिए माँ का कैसा आशीर्वाद है। इधर मुख्यमंत्री बन गए, इधर बाबा बाल योगी महाराज साहब अपने सांसद बन गए, एक सांसद आपने निर्वाचित कर दिए, सारे तरफ जिधर जाओ उधर जहां देखो वहां छिपरा भक्तों की अच्छी खासी संख्या यहां उपस्थित है। और मैं उम्मीद करता हूं 29 की 29, अब मैं 29 ने 430 सब बताऊंगा लेकिन ये बात सही है, भगवान की दया है, ये कई जन्मों के पुण्य से आदमी अपने हाथ में जन्म लेकर के आने के लिए भी उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, परमात्मा की कृपा चाहिए। और जन्म भी अगर होना है तो भारत में हो, ये और भाग्य चाहिए। और भाग्य से सौभाग्य तब होता है जब उज्जैन या उज्जैन के आसपास जन्म ले ले, ये कई जन्मों के पुण्य की तपस्या लगती, साधना लगती। और हमारे इस उज्जैन की विशेषता भी ऐसी है, इस नदी माता का जो स्वरूप अपन देखो ध्यान से तो ये जल राशि इतनी अच्छी ढंग से चारों तरफ माँ की राशि फैली हुई है। नदी का ये जो हमारा अपना स्वरूप है,
शिप्रा माता का। आपको याद होगा कि ये हर देवता अपनी मर्जी से नहीं बैठे, ये छिपरा जी के किनारे की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण से बैठे। जैसे हमारे इंदौर रोड से छिपरा जी जब अपने उत्तर से आकर के पश्चिम की तरफ टर्न लेती है तो हमारे नवग्रह रचना के आधार पर ये नवग्रह का शनि मंदिर वहां स्थापित है, और पूर्व पश्चिम की दिशा से होती हुई जब उत्तर वाहिनी होती है तो हमारी सात्विक पूजा के सभी केंद्र यहाँ रामघाट पर हम अपने सभी प्रकार के पूजा विधान को संपन्न कराते हैं। इसलिए छिपरा का कुंभ मेले का स्नान सिमस का स्थान भी यही होता है। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जैसे अपन आगे बढ़कर के आप देखोगे ध्यान से, ध्यान में आएगा कि शमशान घाट के बाद नदी की दिशा थोड़ी सी उत्तर से उत्तर पश्चिम की तरफ चलेगी। तो ये हमारा अपना योगियों की परंपरा का भर्तरी का धुना हमको ध्यान में आएगा, मत्स्येंद्रनाथ की समाधि आएगी, और जैसे मत्स्येंद्रनाथ की समाधि की तरफ से नदी का टर्न आएगा, नदी मोड़ेगी अपनी धारा, तो नदी छिपरा सीधे पश्चिम से पूरब की तरफ बहने लगेगी, और पूरब की धारा अर्थात हमारी तांत्रिक पूजाओं के स्थान। इसलिए हमारे गढ़काली का काल भैरव अंगारेश्वर के पहले पहले के ये जो हमारे मंगलनाथ का वर्तमान का गंगा घाट का स्थान, ये तंत्र पूजना के साधन वाले जिसको तांत्रिक पूजा में विश्वास है, मांत्रिक पूजा के लिए ये स्थान है, तांत्रिक पूजा के लिए हमारी पूरब दिशा की नदी है। इसलिए हमारा विक्रांत भैरव पे कहते हैं लोग कपालिक साधना के लिए भी लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। इस बार भी मैंने नवरात्रि में कई लोगों को रुकवाया था, कई बार जलती चिता पर वो तांत्रिक क्रिया करते हैं, इसमें उनकी अपनी साधना होती है, लेकिन हमारे मन में भाव आता है कि कहीं ना कहीं इससे कोई अनिष्ट नहीं हो जाए, इसलिए मैंने रुकवाया भी था। लेकिन काल के प्रभाव में ये जो जीवित शमशान हमारे हैं ये हमको एहसास कराते हैं कि हर जगह चेतना मौजूद है, ऊर्जा मौजूद है, लेकिन उसका अपने अपने ढंग से लोग उपयोग करते हैं। इसलिए हमने देखा कि काल भैरव भगवान में वो चेतना है कि पाषाण की प्रतिमा और जीते जी हमारे सबके सामने किस प्रकार से वो पान करते हैं, हमारे लिए आज भी अपने लिए तो वो श्रद्धा का केंद्र, दुनिया के लिए आश्चर्य की जगह, कैसा कैसे हो सकता, लेकिन वो केवल एकमात्र कारण है कि हमारी पवित्र छिपरा माता की दिशा के कारण से सभी शक्तियों को पुनर्जागरण का केंद्र भी है। और जैसे हमको मालूम पड़ता है कि पूरब से फिर वापस उत्तर की तरफ दिशा बदलती है तो ये बाबा मंगलनाथ वाले बैठे हैं। हमारे यहाँ काल के प्रवाह में ऐसा कहते हैं कि जब ग्रह रचना हो रही थी और ग्रह रचनाओं में पृथ्वी के ऊपर उल्कापात होकर के पृथ्वी से मंगल पुत्र अलग होकर के टूट कर गए तो ऐसा माना जाता है कि वो उद्गम का केंद्र अंगारेश्वर मंगलनाथ वही केंद्र है जहां वो घटना घटी थी। इसलिए आज भी किसी के मंगल की दशा हो, मंगल के कोई कारण हो, या जिसकी अपनी मंगल से जुड़े हुए कामकाज की लाइन हो, वो मंगल की पूजा करने वहीं आते। उसके बाद हमारा तर्पण का केंद्र आता सिद्धनाथ, जो सीधे सीधे उत्तर से फिर पश्चिम से होते हुए उत्तर की दिशा का जो टर्न आता है वो पितरों की पूजन का स्थान है, और पितरों की पूजन के आधार पर ये हमारी अपनी छिपरा माता का कुल मिलाकर के यहाँ से वहां तक का केंद्र, ये कुल मिलाकर 27 किलोमीटर का दोनों तरफ का किनारा, या 28 किलोमीटर मान ले, लेकिन 28 किलोमीटर में माँ का उद्गम तो इंदौर से है, लेकिन सच्चे अर्थ में स्वरूप धारण करती है उज्जैन की सीमा से आकर के, और जैसे उज्जैन के तीर्थों के आगे बढ़ती है फिर वो माँ अपना वापस वही स्वरूप रख लेती है, जिसका हमको अपनी पवित्रता के आधार पर, यद्यपि महितपुर के यहाँ विधायक जी बैठे हैं, एक बार यहाँ कुंभ नहीं भराया तो वहां के संतों ने कहा कि हम अपने होलकर के राज्य में भी कुंभ की परंपरा, सिंहस्थ की परंपरा कायम रखेंगे। तो काल के प्रभाव में एक बार इतिहास महितपुर का भी है, लेकिन हम माँ से कामना करें कि आज बदलते दौर में जिस प्रकार से हमने काम की शुरुआत की है सरकार की आपके माध्यम से, मुझे ध्यान में आता है 2004-05 से जो शुरू करा सिलसिला, वो धीरे धीरे बढ़ते 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 पहले प्रारंभ में केवल पूजा की, फिर हमने एक दिन का उत्सव मनाया, दूसरे दिन का मनाया, परिक्रमा का आनंद आया, और कुल मिलाकर के ये परिक्रमा नहीं है, ये उसके सभी आयामों को छूती है, नदी के किनारे के सभी पास हमारे प्रामाणिक खास करके पुरातत्व के अवशेषों को संरक्षण करने का काम करते हैं, सभी देवस्थान पे पूजा करके उनके महत्ता की बात बताते हैं, उसी प्रकार से पर्यावरण से जुड़े हुए सारे पक्षों पे काम करते हैं। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो खासकर अपने मन में जो संकल्प है, जीते जी हमारे सामने गंगा माता में सभी नदियों का समायोजन है, इसलिए गंगा दशहरे को निमित्त बनाया,
लेकिन सभी 212 नदियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और 212 ही नदियों पे मैं कल ताप्ती मैया के किनारे मुलताई पे था जहां उसकी शुरुआत हुई थी। उसके पहले बेतवा नदी के उद्यम के गया था, अमरकंटक गया था, लगातार एक के बाद एक सोन नदी। कौन सी नदी हमारे यहाँ छोटी है, सबकी विशालता है। हमारे अपने जानापाओ में 7 नदियां निकलती, जहाँ गंभीर है, चंबल है, 7 अलग अलग प्रकार की नदियां। एक पहाड़ से निकलना, एक पर्वत से, और उज्जैन का तो विशेष संबंध है जानापाओ का, जहाँ भगवान कृष्ण को हमारे अपने भगवान परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया था। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि ऐसे जो जो स्थान है सबको तीर्थ के रूप में बदलेंगे, वो तीर्थ का आनंद आएगा हर जगह पर, उनका इतिहास भी हम सबके बीच में लाएंगे, उनकी चर्चा भी करेंगे। और कहने वाले कहते हैं कि आप ये सब धर्म की बात क्यों करते हो, मेरा प्रश्न रहता कि मैं धर्म की नहीं करूंगा तो क्या धर्म की बात करूंगा। अरे हम धर्म की नगरी के लोग हैं, धर्म की बात करते करते हमारे आध्यात्म के रहस्यों पे अगर हम जाएंगे तो सच्चे अर्थों में सनातन धर्म को जानने का प्रयास करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई और थोड़ी सी माफी चाहते हुए, मैं अभी तक का कोई यात्रा का क्रम ऐसा नहीं था कि जब मैं पूरे समय यात्रा में नहीं रहा हूं, लेकिन आज मुझे यहाँ से ग्वालियर भी जाना, यहाँ के कई भी काम कराना है, तो माने अनुमति दी है कि अलग अलग प्रकार से, लेकिन आज यहाँ से शुरू करा करके जो खगोलीय महत्व हमारा उज्जैन का है, तो जंतर मंतर जो उज्जैन का विशेष केंद्र है, आज नहीं तो कल दुनिया उज्जैन के स्टैंडर्ड टाइम को भारत के स्टैंडर्ड टाइम समझ कर करके, क्योंकि दुनिया में 300 साल पहले तक घड़ी की हमने वहां स्थापना कराई है, और वैदिक घड़ी के माध्यम से दुनिया में उज्जैन का स्टैंडर्ड टाइम पुनर्स्थापित हो, इसका बड़ा प्रकल्प हम चला रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सभी यात्रियों को शुभकामना, कल वापस आपके बीच में आकर इस यात्रा पे इसी घाट पे समापन रहेगा। सभी यात्रियों को परमात्मा निर्विघ्न यात्रा कराने में बल दे, आपकी सबकी मनोकामना की पूर्ति हो, आप सब पे सुख आनंद वैभव की छाया रहे, सभी कष्ट मिटे, ये शुभकामना है। बोलिए शिप्रे महारानी की, महाकाल महाराज की, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, पूरे देश के अंदर भरोसे का प्रदेश है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर, जहां पर पूजन किया गया है। और आप ये देखिए, ये बहुत बड़ा अभियान है, जहां पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सभी जिलों में जो नदी हैं उन्हें एक बार फिर से स्वच्छ बनाया जाएगा, उनका पानी शुद्ध किए जाने की कोशिश की जाएगी। इस जल संरचनाओं, तालाब, झील, कुआं, बावड़ी आदि के संरक्षण और पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है, और इस अभियान में आम जन की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। समाज के सभी वर्गों को इस अभियान में सहयोग करने के लिए अपील की गई है। श्रमदान कर जल स्रोतों की सफाई में योगदान दिया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें आप उज्जैन से देख रहे थे, जैसे कि आपको मालूम है कि कल भी ताप्ती नदी के तट पर पहुंचे हुए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और आज उज्जैन में, और इसके बाद उनके अन्य कार्यक्रम हैं। तमाम जो जिलों में बड़ी बड़ी नदियां हैं, मध्य प्रदेश में कुल 7 से 8 बड़ी नदियां हैं, जहां की सफाई को लेकर, संरक्षण को लेकर काम किया जा रहा है। और जल संवर्धन अभियान जो है, ये खास तौर पर जल को शुद्ध करने के लिए अभियान शुरू किया गया है।